शीत सत्र का दूसरा दिन किसानों के मुद्दे से गुंज उठा, जिससे लेकर विधान भवन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की हाथापाई की नौबत आ गई, जिसके बाद बुधवार तक सदन का कामकाज स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को शीत सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करके विधान भवन पहुंची। सदन के बाहर विपक्ष ने सामना पेपर के बैनर के साथ किसानों को तुरंत 25,000 रुपए हेक्टर मदद देने की मांग करते हुए ठाकरे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन के सीढ़ियों पर दिलेले आश्वासन पूर्ण करा शेतकऱ्यांना, दिलेले आश्वासन पूर्ण करा शेतकऱ्यांना न्याय द्या, ऐसे नारे लगाकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। जिसके बाद 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने नियम 57 के तहत मुख्यमंत्री ने किसानों को 25,000 रुपए हेक्टरी भाव देने की मांग की। यह घोषणा जब तक सरकार नहीं करती तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जाने की घोषणा देवेंद्र फडणवीस ने की। विपक्ष ने अपनी बात मजबूती से विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले के सामने रखी, लेकिन अध्यक्ष ने नियम 57 में यह नहीं बैठा है बोलकर मांग को टुकरा दिया। इस पर विपक्ष के सभी नेताओं ने सभा में जमकर हंगामा किया। कुछ विधायक तो सामना का बैनर लेकर हंगामा करने लगे। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ विधायक में हाथापाई हुई, जिनमें शिवसेना के नितिन देशमुख, भाजपा के हरीश पिंपले आपस में भिड़ गए। विधायक डॉक्टर संजय रायमुलकर ने तो सामना का बैनर अपनी ओर खींच लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने बैनर न खिंचाने की सूचना देने के बाद भी विधायक बैनर दिखाते रहे, जिसके बाद अध्यक्ष ने फलक झलकाने वाले विधायकों के नाम लिखने की सूचना दी। लेकिन सत्ता पक्ष तथा विपक्ष में एक दूसरे के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस बीच सदन का कामकाज आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ एकता गहरवाल की रिपोर्ट।